नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने उल जुलूल बयान देने के लिए चर्चित है, या फिर यूं कहें कि चर्चा में बने रहने के लिए उल जुलूल बयान देते रहते हैं। कभी अधिकारियों को खनकर गाड़ देने तो कभी प्रधानमंत्री की दाढ़ी से आवाज झड़ने की बात करने वाले सांसद जी ने एक और बयान देकर अब सुर्खियों में है। दरअसल मामला ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार का है, जहां वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मीडिया के योगदान पर सेमिनार रखा गया था। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनार्दन मिश्रा ने कहा कि लोग उनसे कहते हैं कि सरपंच ने घोटाला किया है, तो वह कह देते हैं कि अगर 15 लाख तक का घोटाला किया है तो सांसद से बात ना करें। अगर 15 लाख से आगे भ्रष्टाचार करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 7 लाख लगाकर तो वह चुनाव जीता है और आने वाले चुनाव में फिर से 7 लाख खर्च करेगा। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और ज्यादा लगेगा, तो 15 लाख तो उसे रखना ही है, और अगर इसे ज्यादा गड़बड़ करता है तब भ्रष्टाचार समझ में आता है या परिस्थितियां हैं। आप सांसद के बयान से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब 15 लाख रुपए सरपंच को भ्रष्टाचार करने का अधिकार दिलाना चाहते हैं तो जनपद, जिला पंचायत, विधायक और सांसदों की स्थिति क्या होगी। सांसद जी ने अपने दिल और वर्तमान में राजनीति में हो रहे भ्रष्टाचार घोटालों की सत्यता अपनी जुबा से कह दी है। आइए आपको सुनाते हैं सांसद जी का बड़ा ज्ञान, और आपको ये भी सुनाते हैं कि सांसद जी के इस बयान के बारे में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और कांग्रेस नेता रमा शंकर पटेल ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। पंद्रह लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, उसका भ्रष्टाचार माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है, यह परिस्थिति है। युवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी का एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें मिश्रा जी कह रहे हैं कि सरपंच 7 लाख रुपए अगर खर्च किया है तो उसे 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करने की छूट दी जाए। आदरणीय सांसद जी, आपकी ही सरकार पिछले 17 वर्षों से मध्य प्रदेश में काबिज है और 10 साल से आप सांसद हैं, ये इस तरह का शिक्षा आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरपंच, पार्षद व अन्य लोगों को दे रहे हैं, इससे यह बात सिद्ध होती है कि आप अपनी सांसद निधि से 25-30% की जो बात रीवा जिले के अंदर जग जाहिर है कि आप और आपका परिवार 25-30% कमीशन सांसद निधि की लेता है, और साथ ही आपने भी कुछ पैसे खर्च किए होंगे चुनाव लड़ने के लिए, अपने घर के लगाए होंगे, तो उसका भी आपने लगता है डबल वसूल कर लिया है। इसी तरह यह शिक्षा आप रीवा के जिले के हर उस व्यक्ति को दे रहे हैं, जो कि यह पूर्णतः निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। शिवराज मामा मुख्यमंत्री हैं, विकास का चोला ओढ़े हैं, क्या वो इस तरह की आपको शिक्षा दे रहे हैं? आप किस शिक्षा से यह सब बातें कह रहे हैं यह तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन रीवा जिले का हर आम नागरिक जो कि आपको दूसरे नज़रिए से देखता है, उसका नज़रिया यह है कि आपकी सज्जनता की पहले चर्चा होती थी, वह इस तरह की बातें करके आपने वह सज्जनता समाप्त की है, जो कि बहुत दुखद बात है कि एक जनप्रतिनिधि। आदरणीय साथियों नमस्कार, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। रीवा जिला अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिला रहा इस देश के अंदर। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि रीवा ज़िले में
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेके और ऐसे जनप्रतिनिधि पैदा हुए हैं जो जाने जाते हैं लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए। और इसी रीवा ज़िले में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा सदस्य हैं माननीय जनार्दन मिश्रा जी, उनका ये कहना कि 15 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार यदि सरपंच करे तो मुझसे शिकायत आप करो, ये एक लोक सेवक को ये शोभा नहीं देता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि वो इस पृष्ठभूमि से हैं जो कभी शौचालय साफ करके अपने आप को सबसे गरीब बताकर और एक ऐसे गुरु के शिष्य कहे जाते हैं जिनका हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में नाम है, स्वर्गीय श्री अपना प्रसाद शास्त्री जी का। उनके राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार तो दूर की बात थी, जो भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग थे वो उनके नज़दीक नहीं आ पाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।